मुद्दे से हटकर बात करना चाहता हूँ अग्निवीर पे। एक मिनट, बंद अनवर, अनवर प्लीज, अनवर आप यू आर अ गुड मैन, यू प्लीज कम हियर, यू प्लीज कम हियर, यू प्लीज कम हियर, अनवर 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 यू दिस इज नॉट द वे, अनवर यहाँ प्लीज। देखो चलो मुस्लिम था क्या करो, चलो जी जी। आपने आपने कहा विशेष समुदाय ने कि कांवड़ियों पर फूल बरसाए, चलिए बड़ी खुशी की बात है। भाई साहब आप नहीं करेंगे, आप प्लीज नहीं बोलेंगे कुछ, प्लीज नहीं बोलेंगे। जब मेरी डिबेट है आई विल डू व्हाट एवर आई हैव टू डू एंड आई विल डू एंड आई विल डू। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने फूल बरसाए, महाराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन हाथों में पत्थर था उन हाथों में भी फूल आ गया, अब इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है। शुक्रिया कहिए उनको, शुक्रिया कहिए। और दूसरी बात बढ़ाऊंगा, और दूसरी बात जिनके हाथों में था उनके हाथों में था, सबके हाथों में नहीं था। मैंने तो सबके कहा ही नहीं, आप सबको क्यों लपेट रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। भैया मैं तो कह रहा हूँ पत्थर वाले अगर फूल बरसा रहे हैं तो शुक्रिया कहिए। और एक और बात सुनिए, सुनिए अगर इस देश में, अरे पीछे ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों चला देते हैं, मैं इधर रहेंगे, पाजी उधर कैमरा रखो, उस तरफ कैमरा उधर रखो। तुम्हें मालूम है एक के दूसरी वार्निंग मैं नहीं देता, दूसरी वार्निंग मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चुपचाप रहो, खड़े रहो, रोज आते हो फिर उसके बाद सामने आके बदतमीजी करते हो, चुपचाप खड़े रहो जी। और दूसरी बात यह है कि अगर इस देश में सर्वधर्म संभव है, हंसो मत, खिसिया नहीं हंसी, सर्वधर्म संभव है तो अगर कांवड़ियों को आपने दूध पिला भी दिया, सेवा कर भी दी, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है इस देश में, तो ये हमेशा से सौहार्द बनवाने हैं। तो ये अच्छी बात हुई ना, अच्छी बात है, तो बार बार इसको जताने की क्या आवश्यकता है, क्या इन्होंने कहा मैंने सेवा की, अच्छी बात है, सेवा की तो भगवान आपको भी स्वर्ग देगा, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ आपको भी स्वर्ग देगा भगवान, जंगल देगा। और मैं तो कहता हूँ भगवान भोले का ऐसा आशीर्वाद लगे कि आपकी घर वापसी हो जाए, ये और भी अच्छी बात है। आराम से वन बाय वन जयराम। मैं संजीदगी से मैंने कांग्रेस के विषय में कहा था। दूसरी चीज ये तो देश जान रहा है ना, 2014 के हार के बाद एंटनी कमेटी बनी, उसने कहा कि आप हिंदू विरोधी छवि को बदलिए, राहुल गांधी कुर्ते के ऊपर जनेऊ लेकर आ गए, मंदिर मंदिर घूमने लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ हुआ, ये तथ्य है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मोदी जी का पराक्रम है, 100 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। ये मैंने पॉइंट आपका ले लिया जयराम, ये पॉइंट आपका ठीक है, मैंने ये पॉइंट लिया, ये कमेटी का रिकमेंडेशन था और ये रिकमेंडेशन के बाद वो जो देखा गया वो बिल्कुल सही था, मैंने ये पॉइंट आपका ले लिया। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड जी, वन बाय सर आ रहा हूं मैं पहले कांग्रेस से ले लूं उसके बाद मैं आ जाऊंगा। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार नायक। कहाँ से हैं आप? ब्यावरा एमपी डिस्ट्रिक्ट राजगढ़। तो मैं एक काम करो, दिल्ली से 3-4 लोगों को ले जाओ यहाँ से ब्यावरा, मत काफी कमी नहीं, नहीं नहीं छोड़ जाना यहीं पे आके, ऐसा ना कि वही छोड़ देना उनको, वही वहाँ यहाँ छोड़ जाना आके। वो ऐसा है कि वो जब यहाँ से जाएंगे ना मध्य प्रदेश का आदमी बहुत अच्छा होता है, मीठे आदमी हम लोग, तो वहाँ मीठे आदमी हो तुम लोग, तो वहाँ ले जाके उनको सिखा उखा के फिर यही छोड़ देना आके। तुमको नहीं कह रहा हूँ, जी आपका सर 100 करोड़ के हिंदुओं के देश में राहुल गांधी हिंदू को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आत्मसात करना चाहिए, ये बात भी कमेटी बता रही है, कितनी शर्म की बात है। लेकिन पूजा करने के लिए कमेटी तरीका थोड़ी ना बता सकती है। आप झूठ मूठ का खड़ा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जनेऊ पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप राम को मानते हैं तो ही मानेंगे ना, बाकी फर्जी वाला तो इन्होंने पकड़ ही लिया और देश ने पकड़ लिया। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड क्योंकि इसके बाद ये बोले 10 सेकंड इन्होंने लिया, तो 10 सेकंड में 5 सेकंड आपके, 5 सेकंड आपके जी जी। प्रतीक असली कांग्रेस है, प्रतीक जी रामलला की पूजा करने के लिए जब राजीव जी ने रामलला को विराजमान किया और जब पूजा की तो उनसे बड़ा राम भक्त तो कोई हो नहीं सकता। उसके अलावा जब आप हरिद्वार पर जाते हैं, जब शिव जी, क्योंकि सावन मास चल रहा है, तो जब शिव जी की जटाओं से जो गंगा निकलती है और वो हरिद्वार के जब गंगा घाट पर पहुंचती है, वहां एक बड़ा प्लकार्ड है जिसपे लिखा हुआ है कि इस घाट का निर्माण माननीय राजीव गांधी जी ने अपने कोष से किया, वो प्रधानमंत्री कोष से नहीं, वो अपने सांसद कोष से नहीं, अपने कोष से। तो हम लोग हमेशा से हर धर्म के लिए अपना योगदान देते रहे हैं और साथ साथ, लेकिन उसका प्रचार नहीं करते आए, जो एंटनी कमीशन की रिपोर्ट की बात की। राइट, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ब्रेक का टाइम बहुत पहले था, मैंने ब्रेक नहीं लिया क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं 5 या 6 या 10 मिनट में हो सकती है, लिहाजा इजाजत हो तो कंटिन्यू करते हैं,
मैंने इसके बाद बोला था कि पांच सेकंड आपका, पांच सेकंड जल्दी कोई। देखिए अभी कांग्रेस के जो मेरे प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हम आडंबर नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, आप तो खुल के बोलते हैं। जब आपके प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी साहब मंच से खड़े होकर बोलते हैं इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है, तब क्या कहेंगे आप? राइट। दो बातें यहाँ पे, एक मेरे भाई ने बोला कि राहुल गांधी जी ने, आ रहा बेटा, आ रहा इन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी ने जनेयू अपने कुर्ते के ऊपर पहना, तो मैं एक बात इनको बताना चाहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए वहाँ पे केदारनाथ पे, वहाँ पे मंदिर परिसर के अंदर जूतों में घूमते रहे और मेडिटेशन कर रहे थे चश्मा लगा के। और सुनिए, और सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी भगवान शिव जी की आरती कर रहे थे, भगवान शिव जी की मूर्ति सामने वो कैमरे की आरती कर रहे थे, इसके भी विजुअल है। ये काय की भक्ति सिखा रहे हैं लोगों को? देखिए आयरनी देखिए, हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हिंदुत्व कांग्रेस सिखा रही है। जमाना क्या आ गया, मतलब हद हो गई, मतलब हद हो गई। मतलब जिन्होंने आजीवन भगवान शिव को गाली दी, भगवान राम को गाली दी, भगवान गणेश को गाली दी, राम सेतु का अस्तित्व नकारा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए राम मंदिर रोकने के लिए, वो भगवान राम पर ज्ञान दे रहे हैं। बताइए, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए थे, तो फिर आप उसको गलत डायवर्शन में ले जा रहे हैं। देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा, कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म संभाव की बात की है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभा को लेकर चले और अभी जो ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों का प्यारा नहीं, अल्पसंख्यकों का कहकर, तो ये हमारा संविधान भी कह रहा है, हमारा संविधान भी कह रहा है। भाई आप देखिए, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है और उसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, सुन लीजिए। नहीं भाई, उनको आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। दुनिया भर के जो भी महत्वपूर्ण संविधान है वहाँ पे माइनोरिटीज को राइट दिया गया है। देखिए अभी किस प्रकार से बोल रहे हैं, अभी मेरे मित्र ने बता दिया ना कि कब कब किस प्रकार से कांग्रेस ने हिंदू विरोध किया। लेकिन आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सच सच नमन करता हूं, उनका पराक्रम है कि कांग्रेस आज हिंदुत्व की बात कर रही है, ये बता रही है कि पूजा कैसे करनी चाहिए। कल तक केवल और केवल टोपी लगाकर इफ्तारी कर। भैया जी, जिसके दादा परदादा, ये जो आपने मोबाइल इधर दिया था ना, नहीं आपका नहीं है? लो भाई आज गिफ्ट दिया तुम्हें मोबाइल। नहीं प्रतीक जी, जो ये जो आजकल क्या हुआ है कि इतना बोलो और इतना मीडिया में चलाओ, आपको बोलना है ना? क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? राकेश भाई। पहले गार्ड साहब पानी की एक बॉटल ला के दो, इन्हें सैयद करो, इन्हें इनका ब्लड प्रेशर नीचे लाओ। प्रतीक जी देखिए, ये हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इतिहास की बात मैं बता दूं, जब देश आजाद हुआ था ना, कांग्रेस की छवि एक हिंदू पार्टी की थी और मुस्लिम पार्टी की छवि थी मुस्लिम लीग की। 1970 के दशक तक ये छवि चली है, जीतते रहे जब तक बैलेंस बना हुआ था। 70 के बाद इंदिरा गांधी जी के शासन में वामपंथियों ने जो कुचक्र चलाया उसका दुष्परिणाम ये हुआ, ये हिंदू को एंटी हिंदू चलते रहे और जनता इनसे दूर होती गई। ये आप ये कहते हैं ये एंटी हिंदू है? एक मिनट, आपको लोकसभा में कितना वोट मिला? सर हम लोगों को लोकसभा में 10 करोड़ वोट मिला सर। 19% 10 करोड़ वोट मिला, 10 करोड़ के अंदर जी। 10 करोड़ जी, 10 करोड़ वोट मिला। जाहिर सी बात है, हिंदुओं का भी वोट मिला ही होगा आपको जी। ठीक जी जी, देखिए प्रतीक जी, जब हिस्टोरिकल बात निकलती है तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश के सामने 1947 के दौर में बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम लोगों ने जब इस कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना की, जब पूरे दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को साथ रख के हम लोग एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाए जो इस देश को आगे चलाने का रास्ता दिखाने लगा, उसमें ये क्लियर किया गया कि जो धर्म है वो राजनीति से परे रहेगा। और इसी की वजह से हम लोग जब 1947 में 3% हम लोग GDP का हिस्सा थे पूरे देश में, पूरी दुनिया में, आज हम लोग उसको 40% तक ले कोई बढ़ा दिया करिए। कितना अच्छा प्रवचन चला पहले तो। नहीं, ऐसा नहीं, सबको बराबर टाइम, बराबर देखिए, इनको तो टाइम ही नहीं मिला। इन्हीं का 10 ही सेकंड तो मैं ले रहा हूँ आपसे। इन्होंने जितनी बातें कही, इतना जब अच्छा समय था उसके बावजूद वो जो है ना चोर दरवाजे से 1975-76 में आपातकाल लाया गया और कैसे संविधान के प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया, ये पूरा दुनिया जानता है। और
यह जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं संविधान में लिखित तौर पर देख ले राम दरबार लगा हुआ है उसी संविधान के भीतर। देखिए देखिए मैं इन्होंने बात करी धर्म की, इन्होंने बात करी कि हिंदू। मैं आता हूँ आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ।